भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं एवं 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को होने वाले निर्वाचन में शामिल शहडोल, जबलपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सीधी और मंडला जिले में चिन्हित दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान दलों ने सुगमता से उनका मतदान कराया। सिवनी जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने आगामी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अधिकारियों को दिए जा रहे ईवीएम कमीशनिंग प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण किया एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए। दमोह जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुधीर कुमार कोचर तथा सीईओ जिला पंचायत श्री अर्पित वर्मा ने भी सहभागिता कर सभी से मतदान की अपील की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए टीकमगढ़ जिले में नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर यदुल्ला विजय ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवधेश शर्मा के साथ शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। विदिशा जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बुद्धेश कुमार वैद, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राजस्व व पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सीहोर जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सीईओ जिला पंचायत श्री आशीष तिवारी ने नागरिकों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया एवं मतदान करने की शपथ दिलाई। भिंड जिले में महिलाओं ने रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया।